देखिए प्रॉब्लम, इग्निशन ऑन इंजन ऑफ, ठीक है। देखिए ये हुआ, जैसे कपलर लगाया वैसे मेरा ये फिर से फ्यूज ये उड़ गया, ये देखिए कटा हुआ, ठीक है। मतलब नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा। देखिए जो अच्छा फ्यूज है उसमें कंटिन्यूटी में देने से पता चल गया ये मेरा फ्यूज। प्रॉब्लम, इंजन हैज ओवर हीटिंग, ये गाड़ी ओवर हीटिंग हो रही है, कांटा देख रहे कहाँ तक चल गया। ये ओवर हीटिंग का सिंबल दे रहा है, ओवर हीटिंग क्यों हो रहा है ये देखते हैं। अलर्ट करो जरा, देख तो किसका हो रहा है वो ओवर हीटिंग, किसके लिए हो रहा है। कूलेंट पूरा फेंके हुआ है, देख रहे कूलेंट पूरा गिरा हुआ नीचे। ये गाड़ी बहुत गर्म है, ठंडा हो जाए उसके बाद इसको खोलते हैं। ये कूलेंट फेंकने का दो ही रीज़न होता है, या तो फर्स्ट होता है तो कूलेंट सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, और दूसरा फैन नहीं चलता हो, या तीसरा आपका हेड गैसकेट खराब हो। तो इसमें मे भी पहले फर्स्ट चेक करना है क्या मेरा फ़ैन चल रहा है कि नहीं, ठीक है। और फ़ैन चेक करने के लिए नॉर्मली आप बिना टैप के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे गैस तो इसमें है पूरा फुल, गैस चेक कर लिया है। अभी हम एसी ऑन करके चेक करते हैं, गाड़ी थोड़ा ठंडा हो गया, एसी ऑन करके चेक करते हैं कि मेरा फ़ैन घूम रहा है कि नहीं। ये मैनुअली ये गाड़ी स्टार्ट किया, ठीक है। अब हम यहाँ एसी ऑन कर देते हैं, एसी ऑन है, एसी ऑन है। अब देखना है मेरा फ़ैन ऑन हो रहा है कि नहीं, इससे मुझे फर्स्ट जो है कूलेंट फेंकने का रीज़न यही होता है। ये देखिए ये जो फैन है, फ़ैन घूम नहीं रहा जो फ़ैन घूमना चाहिए, फ़ैन घूम नहीं रहा, और गाड़ी में गैस है। मतलब जो फर्स्ट चेकअप है कूलेंट फेंकने का, ये है फ़ैन चल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये मैनुअली हम चेक कर लिया, मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसका फ़ैन नहीं चल रहा है, ठीक है। अब हम एक बार स्कैनर लगा के भी इसमें देख लेते हैं कि कोई कोड आ रहा है कि नहीं, और स्कैनर से एक्चुएशन टेस्ट करते हैं, उससे पता चल जाएगा मेरा फ़ैन काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी हम इसमें स्कैनर लगा रहे हैं, वो मैनुअली चेक करने का तरीका और ये टैब से चेक करने का। तो अभी हम टैब ऑन कर ले रहे हैं, टैब ऑन हो गया। पहले डीटीसी चेक कर ले रहा, कोई डीटीसी आ रहा है कि नहीं। ये गाड़ी काफ़ी ओवर हीटिंग हो रहा है और कूलेंट फेंक दे रहा है। तो इंजन सेलेक्ट किया, इंजन में देख ले रहा कोई कोड आ रहा है कि नहीं। एक कोड है इसमें, वो मास एयर फ्लो सेंसर, वो अभी एयर फिल्टर खोलने के लिए हम बोला है उसका वजह से ये मास एयर फ्लो सेंसर का कोड आया। एयर फिल्टर खुला हुआ है बाद में उसका लेके, दूसरा कोई कोड नहीं है, ये अभी आया है मास एयर फ्लो का। तो अभी हम चल जाते हैं एक्चुएशन टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको एक्चुएशन टेस्ट करके देखेंगे कि मेरा फ़ैन ऑन हो रहा है कि नहीं, और रिले ग्लो एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये रहा फैन मोटर कंट्रोल लो स्पीड। अब इस पर हम एक्चुएशन टेस्ट करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। एक्चुएशन टेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए कंडीशन लिखा हुआ है, इंजन इग्निशन ऑन इंजन ऑफ, ठीक है। तो अभी हम इसको एक्चुएशन टेस्ट करेंगे। वाह, ठीक है। ये अभी एयर फिल्टर खोला ना, इसकी वजह से एयर मास्क का कोड आया। अब यहाँ से हम इसको एक्सप्रेशन टेस्ट करते हैं, स्टार्ट। यहाँ देखिए फिर भी मेरा फैन ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टॉप किया, फिर से स्टार्ट किया, लेकिन फ़ैन ऑन नहीं हो रहा है।
अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि मेरा रिले ग्लो एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं। देखिए जब हम इसको स्टार्ट में देंगे, जब हम इसको स्टार्ट में देंगे तो यहाँ पे एक किट किट कर करके आवाज़ होगा। ये देखिए ये फ्यूज बॉक्स है, ये वाला जो रिले है ये रिले एक्टिवेट हो रहा है। ये देखिए फील हो रहा है, ये वाला रिले, ये वाला रिले एक्टिवेट हो रहा है। तो मतलब मेरा जो रिले है रिले काम कर रहा है, मतलब लाइन सप्लाई हो रहा है लेकिन फैन मोटर नहीं घूम रहा है। अब क्यों नहीं घूम रहा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरा फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है जिसकी वजह से ये कूलेंट फेंक रहा है और ओवरहीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको टैप को, ये हो गया टैप से चेक करने का एक्चुएशन टेस्ट, एक्चुएशन टेस्ट करने का तरीका। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जो कपलर है फ़ैन का कपलर, कपलर में लाइन चेक करेंगे कि लाइन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये है कपलर, कपलर हम खोलते हैं। ये रहा, इसमें दो ही है, एक ग्राउंड है और एक मेन है। मल्टीमीटर ला जरा, इसमें मल्टीमीटर लगा के देखेंगे कि लाइन आ रहा है कि नहीं। उसके लिए आप गाड़ी स्टार्ट करके एसी ऑन करके भी चेक कर सकते हैं यहाँ तक लाइन आ रहा है कि नहीं, या फिर टैप से एक्सप्रेशन टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि मेरा लाइन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम दोनों बारी बारी चेक करेंगे, पहले एक लगाया यहाँ ब्लैक का ग्राउंड में, ठीक है, और दूसरा हम इसमें देते पॉजिटिव में। ये देखिए यहाँ 12 वोल्ट दिया हम, ये सॉरी बैटरी पॉजिटिव दिया, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब जो देखना है दूसरा, इसमें ये वाला जो वायर है इसमें काला वाला में 12 वोल्ट आ रहा है मेरा ग्राउंड में। अब ये वाइट वाला में मेरा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वो देखना है। इसके देखने के लिए पहले गाड़ी ऑन स्टार्ट करना है मैनुअली, अगर चेक करना है तो गाड़ी स्टार्ट करके एसी ऑन कर देना है तब इसमें वोल्टेज आएगा। ये पावर लाइन चेक करने के लिए इसका, अभी गाड़ी स्टार्ट करिए आप, जब गाड़ी स्टार्ट होगा तभी इसमें लाइन आएगा, जब एसी देगा तब, या फिर गाड़ी जब हीटिंग होगा जब इसका टेम्परेचर बताएगा अभी फ़ैन ऑन करना है तब यहाँ पर आएगा। तो अभी हम गाड़ी ऑन करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हुआ, एसी ऑन कर देना, एसी ऑन है। ये देखिए ये एसी ऑन हुआ, कंप्रेसर मेरा इंगेज हो रहा है लेकिन फ़ैन नहीं घूम रहा है। तो उसको अभी चेक करने के लिए ये वाला पोल में हमको लगाना है, ठीक है। अब इसको एक तो ग्राउंड देना है, नेगेटिव में लगा दिए। ये देखिए इसमें मेरा वोल्टेज नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव नहीं आ रहा। या फिर आप केस लैंप से भी लगा के देख सकते हो केस लैंप जल रहा है कि नहीं। हम अभी मल्टीमीटर से लगा रहे हैं तो मल्टीमीटर में देखिए यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। गाड़ी बंद करती हूँ। अभी देखा कि मेरा एक तो नेगेटिव में 12 वोल्ट आ रहा है लेकिन पॉजिटिव में 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, बट मेरा रिले एक्टिवेट हो रहा है, जो एक्चुएशन टेस्ट किया था कट कट हो रहा है, रिले में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो देखना है इसका फ्यूज़, यहाँ से मेरे को पता चल गया कि मेरा फ़ैन मोटर में लाइन नहीं जा रहा, ठीक है। फ्यूज़ देखना है ये वाला 40 एम्पियर फ़ैन का, ठीक है। ये अभी हम देखते हैं यहाँ से, ये ऐसे पकड़ के ऐसे करके चेक करना है आपको यहाँ पे। अब यहाँ से हो गया 1 2 3 4, ये चार नंबर, ये वाला 40 एम्पियर, इधर से 1 2 3 4, इधर से चार, इधर से चार। ये वाला फ्यूज़ हमको देखना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। ये फ्यूज़ फिलहाल ठीक है, ठीक है। ये फ्यूज़ चेक करने के बाद अगर ये फ्यूज़ निकला, रिले भी मेरा सही है और ये फ्यूज़ भी सही है, तो तीसरा प्रॉब्लम कहाँ होगा। तो अभी का गाड़ी में तीसरा दिया है ये वाला, ये देख रहे बैटरी इग्निशन 2 के बगल में एक तो बैटरी का फ्यूज़ है 40 एम्पियर, ये वाला फ्यूज़ चेक करना है। तो ये देखिए इसका ये वाला फ्यूज़ कटा हुआ है, ये देख रहे बीच से कटा हुआ है, जिसकी वजह से मेरा फ़ैन ऑन नहीं हो रहा है। और ये क्यों कट रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। इसको खोलिए, तो वो खोलना था, ये वाला फ्यूज़ कटा हुआ है जो यहाँ पे रहता है, ये देखिए ये बैटरी फ्यूज़ है ना इग्निशन 2 के बगल में 40 50 60 लगा हुआ है, इसमें कोई भी एम्पियर का चल जाएगा। ये वाला फ्यूज़ कटा हुआ क्योंकि मेरा ये फ़ैन का जो 40 एम्पियर है ये भी ठीक है, और ये फ़ैन का जो रिले है ये रिले भी ठीक है। तो अभी हम ये फ्यूज़ ख़राब है, और ये फ्यूज़ को हम कैसे चेक करेंगे, ये देखिए कटा हुआ है, ये तो देख के ऐसे लग रहा है कटा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं। इसको डाल देना कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी दोनों पोल्स हटाइए, ये देखिए
दोनों पुल जब सड़ागा तो आवाज़ होगा। तो अभी हमको इसको ये दोनों पिन जो है ये दोनों पिन में लगाना है, इससे पता चलेगा मेरा। ये देखिए कोई साउंड नहीं हो रहा, कोई बीप नहीं हो रहा, तो मतलब मेरा ये जो फ्यूज़ है ये फ्यूज़ कटा हुआ है। तो अभी हम एक तो अच्छा फ्यूज़ लगाते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास एक तो अच्छा फ्यूज़ है अभी, ये देखिए ये वाला अच्छा फ्यूज़ है, इसमें कंटिन्यूटी आएगा। इसमें लगाइए, जो अच्छा फ्यूज़ है उसमें कंटिन्यूटी में देने से पता चल गया ये मेरा फ्यूज़ ठीक है। ठीक है, अभी हम ये फ्यूज़ को यहाँ पे लगा देते हैं जहाँ कटा हुआ था। लगा दिया, ठीक है, आप चेक करते हैं उसमें मेरा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ठीक है जी, स्टार्ट कर दी गाड़ी, स्टार्ट करिए। गाड़ी स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे सादा वाला पिन में मेरा एक नेगेटिव का लगा हुआ और यहाँ एसी कंप्रेसर भी मेरा एक्टिवेट हो गया, मतलब एसी ऑन हो गया। तब भूल ये नेगेटिव में लगाया, ये देखिए रिफ्लेक्ट आ रहा थोड़ा, रुक गई। यहाँ नेगेटिव में चढ़ाया, यहाँ पे देखिए 13 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब जो मेरा सादा वाला जो तार है, सादा वाला वायर है, उसमें मेरा लाइन नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मेरा लाइन आ रहा है। अब क्यों लाइन नहीं आ रहा था, ये जो फ्यूज़ है ये वाला, ये फ्यूज़ मेरा कटा हुआ था जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा था। और मेरा रिले और ये फैन का ये दोनों ठीक था, लेकिन बैटरी फ्यूज़ जो है 40 एम्पियर ये कटा हुआ था जिसकी वजह से मेरा लाइन नहीं आ रहा था। अभी देखिए प्रॉपर मेरा लाइन आ रहा है, ठीक है, फैन में लाइन आ रहा है। और ये फ्यूज़ क्यों उड़ा ये भी हम दिखा देते हैं, और इसमें क्या करना पड़ेगा ये भी। अभी हम मल्टीमीटर बंद कर दिए, ठीक है, अभी देखिए जैसे ही हम वहाँ पे कपलर लगाएंगे यहाँ पे ये फ्यूज़ उड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही वहाँ कपलर लगाएंगे वैसे फ्यूज़ ये उड़ जाएगा। अभी देखिए यहाँ हम कपलर लगा रहे हैं, यहाँ पे कपलर हम इसको लगा रहे हैं, अभी देखिए देखिए ये हुआ। ये जैसे कपलर हम वहाँ पे लगाया, वहाँ पे जैसे कपलर लगाया वैसे मेरा ये फिर से फ्यूज़ ये उड़ गया, ये देखिए कटा हुआ। तो मतलब ये फ्यूज़ क्यों कट रहा है, वो फ़ैन मोटर की वजह से, जो मेरा फ़ैन मोटर शॉर्ट है, बंद कर दीजिए, ये फ़ैन मोटर शॉर्ट है जिसका वजह से मेरा ये फ्यूज़ उड़ रहा है बार बार। अभी जैसे आपके सामने में ये उड़ा, जैसे हम कपलर लगाया वैसे ये फ्यूज़ उड़ गया। तो अब लाइन में शॉर्ट है ना, फिर मेरा फ़ैन मोटर शॉर्ट है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि जब हम कपलर जब तक कपलर खोल के था तब तक मेरा फ्यूज़ नहीं उड़ा। ठीक है, जब तक हम कपलर खोल के था तब तक मेरा फ्यूज़ नहीं उड़ा। और जैसे ही हम कपलर लगाया फ़ैन मोटर में, ये देखिए मोटर में जैसे कपलर हम लगाया वैसे मेरा फ्यूज़ उड़ गया। तो मतलब मेरा जो फ़ैन मोटर है वो शॉर्ट है, उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसी की वजह से ये जो कूलेंट फेंक रहा है, ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, उसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर डायग्नोसिस आप कर सकते हैं इजीली, टैब के भी, टैब से भी और बिना टैब के भी ओवरहीटिंग आप पता कर सकते हैं कि मेरा फ़ैन मोटर कैसे शॉर्ट है। और अभी का तीन तीन फ्यूज़ आ गया, तीनों फ्यूज़ आपको चेक करना पड़ेगा। एक रिले मेरा एक्टिवेट हो रहा था टक टक करके, ये 40 एम्पियर तो ठीक है, ये वाला जो 40 एम्पियर है ये कटा हुआ है, फ़ैन मोटर शॉर्ट है जिसकी वजह से ये फ्यूज़ हो रहा है। अभी हम फ़ैन मोटर चेंज करेंगे और ये फ्यूज़ चेंज करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व। अभी फ़ैन मोटर चेंज किया है और ये फ्यूज़ चेंज किया है, अभी देखिए मेरा फ़ैन ऑन हो गया, जो पहले फ़ैन ऑन नहीं हो रहा था।